दोस्तों, अभी तक आपने केवल मनुष्य की प्रेम कहानी सुनी थी, परंतु आज हम आपको एक ऐसी नागिन से मिलाने वाले हैं जिसकी प्रेम कहानी देख आप हैरान रह जाएंगे। एक इच्छाधारी नागिन की सच्ची प्रेम कहानी, वो भी एक साधारण मनुष्य से। आपने शायद ही पहले ये कभी देखा हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। झारखंड के गाँव के युवक से इच्छाधारी नागिन ने शादी कर ली, वो भी पूरे गांव के सामने। दरअसल दोस्तों, झारखंड के गांव में एक सोनू नाम का लड़का था। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। सोनू के माँ बाप मजदूरी करके घर का खर्चा चला पाते थे। वो अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे तथा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, और इसी वजह से वो अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। लेकिन समय के साथ साथ सोनू अब बड़ा होता चला जा रहा था। उसे अपने पिता के सारे दिन बगैर थके काम करना अच्छा नहीं लगता था, और इसी वजह से सोनू ने गांव में ही रहकर कुछ काम करने की सोची ताकि वह अपने पिता का सहारा बन सके, क्योंकि उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और उसे पास के एक जंगल में एक लकड़ी काटने का काम मिल जाता है। अब सोनू जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके किसी को बगैर बताए चुपचाप जंगल में लकड़ी काटने के काम पर चला जाता। दोस्तों, जिस जंगल में सोनू काम पे जाया करता, उसी जंगल के आसपास एक सुंदर इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। एक दिन सोनू जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे थोड़ी दूर पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा एक भेड़िए ने हिरन के छोटे बच्चे को घायल कर रखा था। सोनू दौड़ के उस हिरन के बच्चे के पास गया और उस भेड़िए को अपने कुल्हाड़ी से डरा के भगा दिया। हिरन का वह बच्चा बेहोश पड़ा था। सोनू को जंगल की जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। उसने जड़ी बूटियों के सहारे उस हिरन के बच्चे का इलाज किया। वहीं पेड़ के पीछे से वह इच्छाधारी नागिन सोनू को उस हिरण की जान बचाते देख रही थी। सोनू के साथ की और उसके इस अच्छे आचरण को देख वह इच्छाधारी नागिन सोनू को पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठी और उससे प्यार करने लगी। वहीं इन सबसे अनजान सोनू रोज़ उस हिरण के बच्चे का ख्याल रखने के लिए जंगल के उस तरफ जहां वो इच्छाधारी नागिन रहती थी रोज़ जाने लगा, और इच्छाधारी नागिन रोज़ सोनू को उस पेड़ के पीछे छुपकर देखती रहती। एक दिन सोनू जब जंगल में गया तो उसकी नज़र भी उस इच्छाधारी नागिन पर पड़ गई, जो उस पेड़ के पीछे से छुप उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सोनू उसकी तरफ आगे बढ़ा, परंतु जब उसने देखा कि उस इच्छाधारी नागिन के जो नीचे का हिस्सा है वह सांप के समान है, तो वो डर गया और वापस भागने लगा। परंतु इच्छाधारी नागिन ने उसे रोक लिया और बताया कि वह सोनू से प्यार करती है। पहले तो सोनू थोड़ा घबराया, परंतु उस इच्छाधारी नागिन की सुंदरता पर सोनू भी मंत्रमुग्ध हो गया था। परंतु फिर उसने सोचा कि ये तो एक इच्छाधारी नागिन है और मैं एक मनुष्य, तो हमारी ये प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है। इसीलिए सोनू ने उस इच्छाधारी नागिन को मना कर दिया और फिर वो एक हफ्ते बाद उस जंगल की तरफ गया। परंतु इस बार उसकी नज़रें उस इच्छाधारी नागिन को ही ढूंढ रही थी, परंतु वह कहीं दिख नहीं रही थी। अब सोनू को चिंता सताने लगी कि कहीं उस इच्छाधारी नागिन को कुछ हो तो नहीं गया, कि तभी उसने देखा एक पत्थर के नीचे वही इच्छाधारी नागिन बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से बीमार है। सोनू ने तुरंत जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी कर उस नागिन का इलाज किया। जब नागिन को होश आया तो उसने देखा कि सोनू उसके पास ही बैठा है, जो उसके लिए बहुत चिंतित था। नागिन के होश में आते ही सोनू ने उसे अपने गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार किया, जिसे सुन नागिन बहुत खुश हुई। अब ये दोनों साथ साथ अक्सर जंगल में समय बिताया करते, और कभी कभी सोनू नागिन को अपने साथ अपने गांव दिखाने भी लाया करता। उस समय नागिन इंसानी रूप में हुआ करती थी, परंतु कुछ गांव वालों को ये बात पता लग गई कि सोनू एक नागिन से प्यार करता है, और उन्होंने इस बात को सोनू के माँ बाप तक पहुँचा दी। जैसे ही सोनू के माँ बाप ने ये सुना कि उनका लड़का एक नागिन से प्यार करता है, तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी और तुरंत पास के ही एक गाँव के लड़के से सोनू की शादी कराने का फैसला कर लिया। इस फैसले से सोनू और इच्छाधारी नागिन बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दिन बीते और वह दिन आया जिस दिन सोनू की शादी थी। सोनू बहुत दुखी था, परंतु वह अपने माँ बाप के आदेश को ठुकरा नहीं सकता था। उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े मंडप में पहले से ही मौजूद थी। पंडित ने पूरे रीति रिवाज से सोनू की शादी उस लड़के से करवा दी, परंतु जैसे ही शादी पूरी हुई तो तेज हवा चलने लगी और उस हवा से दुल्हन का घूंघट हट गया। वह दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही इच्छाधारी नागिन थी। सोनू बहुत खुश हुआ, और अब तो शादी भी हो चुकी थी, इसलिए समाज के साथ साथ सोनू के माँ बाप ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी।